डिवीजन काफी पुराना रेल डिवीजन था। इससे पहले 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी उसके बाद से ही मुगलसराय जंक्शन का नाम बदलने की कवायद चल रही थी, लेकिन 2017 में जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो केंद्र और राज्य की दोनों सरकारों ने मिलकर नोटिफिकेशन जारी किया और अगस्त 2018 में मुगलसराय जंक्शन का पहले नाम बदला गया था। उसके बाद जो है वो मुगलसराय रेल डिवीजन का नाम अब बदला गया है। आने वाले दिनों में किस तरह से ये बदलाव होगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन हम आपको बता दें सन 1968 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय का शव मुगलसराय रेलवे यार्ड में मिला था और उन्हीं के नाम पर मुगलसराय का नाम बदला गया। उसके बाद जो है दूसरी कड़ी में मुगलसराय जंक्शन का नाम बदलने के बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेल मंडल अब नाम कर दिया गया है ये मुगलसराय डिवीजन का। हमारे साथ रेलवे कर्मचारी हैं जिनको निर्देश मिला है ये बोर्ड्स वगैरह को हटाने का, आप इधर आ जाइए। क्या नाम है आपका? अलाउद्दीन जी। अलाउद्दीन जी, क्या निर्देश मिले हैं आप लोग बोर्ड हटा रहे हैं? हमको हमारे IW साहब बोले हैं कि मुगलसराय हटा दीजिए। नया नाम क्या रखा जाएगा? पंडित दीनदयाल उपाध्याय रखा जाएगा नाम, और क्या है? तो ये कब तक नया नाम यहाँ पर बोर्ड बन जाएगा? सही नहीं मालूम मुझको, ये मालूम नहीं हुआ है कि कब रखाएगा लिखाएगा। तो आप देख सकते हैं नाम बदलने की तैयारियां शुरू हो गई हैं, पुराने नाम को हटा दिया गया है और जैसा कि रेलवे अधिकारियों से हमारी बात हुई है एक दो दिनों में ही यहां पर नया बोर्ड पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे मंडल के नाम से लगा दिया जाएगा। उदय गुप्ता, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर, UP तक।